चूंकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अक्सर हेडर और फुटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम हेडर और फुटर का प्रयोग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो हमारा जो हेडर और फुटर होता है वो हर एक पेज पर सेम होता है, यानी सेम क्रिएट होता है। अब ऐसा हम क्या करें जो हमारा हेडर और फुटर हो वो थोड़ा चेंज हो। तो हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही दो ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग कर कर आप अपना हेडर और फुटर में कुछ चेंजेस दे सकते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट पेज पर कुछ और रहेगा और सेकंड पेज पर कुछ और रहेगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शंस को जानेंगे। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने इंसर्ट ऑप्शन पर। इंसर्ट ऑप्शन पर जाने के बाद चलेंगे हम हेडर और फुटर पर, और जैसे ही हम हेडर और फुटर पर जाएंगे तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला है हेडर, दूसरा है फुटर और थर्ड हमारा है पेज नंबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हेडर ले लेते हैं। तो हेडर पर क्लिक करते हैं। हेडर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे हेडर्स आ गए, यानी कि स्टाइलिश आपके हेडर आ जाएंगे। तो इसमें से जो भी आपको हेडर अच्छा लगता हो, जो भी स्टाइलिश आपको लगता है अच्छा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर नॉर्मल हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो हेडर देने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेडर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देते हैं हम दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स। अब हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे दिया, यानी कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स, यानी दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स, हमने हेडर दे दिया। अब जैसे हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे तो हमारे हर एक पेज पर क्या होगा, सेम हेडर पड़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा सेम हेडर पड़ रहा है। अब हमको ऐसा क्या करना है कि जो हमारा हेडर हो थोड़ा चेंज हो। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे हेडर पर, और यहाँ पर जैसे हेडर पर जाएंगे तो हमारे सामने आता है डिजाइन। जैसे हम हेडर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा डिजाइन, और डिजाइन में ही हमारा मिल जाता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि जो आपका, जैसे आप इस पर चेक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पेज का अलग हेडर पड़ जाएगा। तो यहाँ से हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पेज का हेडर हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी नेम देना हो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हमने दे दिया माई डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे यहाँ पर हम क्लोज करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पेज का हेडर होगा वो अलग होगा, और बाकी जो पेजेस होंगे उसका हेडर जो होगा वो अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हमारे फर्स्ट पेज में माई डॉक्यूमेंट्स, और इसी तरह आपका थर्ड पेज पर भी जाएंगे तो दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स ही दिखेगा। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन। अब आप बताते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और हेडर को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज को अनचेक कर देना है। अब अनचेक करने के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है डिफरेंट ओड एंड इवेन पेज। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ओड पेज होता है और इवेन पेज होता है सेम आपका, जैसे ओड इवन पर, ओड पेज पर जो हम देंगे वो हर एक ओड पेज पर पड़ेगा, और जो इवेन पेज होंगे उस पर जो हम वर्ड देंगे या जो भी हेडर देंगे वो हमारे हर एक इवेंट पेज पर टाइप या क्रिएट होगा। तो हम यहाँ से दे देते हैं, जैसे कि हमारा देता है दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स, तो इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट पेज क्या है, ओड है, और हमारा फर्स्ट पेज के बाद सेकेंड पेज क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी सेकेंड पेज इवेंट पेज पर हमने कुछ भी नहीं दिया है। अब थर्ड पेज पर देख लेते हैं क्या है, तो थर्ड पेज में हमारा जो है दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, यानी कि आपका जितने भी ओड पेज हैं उस पर आपका दिख रहा है लेकिन इवेंट पेज पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इवेंट पेज पर भी दे देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं इवेंट पेज पर, तो इवेंट पेज हमारा सेकेंड है और इस पर हम हेडर ले लेते हैं। अब इस पर जो भी देना हो हम दे देंगे, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से क्लोज कर देते हैं। अब देख लेते हैं हमारे इवेंट पेज पर क्रिएट हुआ कि नहीं। तो इवेंट पेज हमारा ये है, फिर नेक्स्ट इवेंट पेज पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा इवेंट पेज पर भी हमारा जो है माय डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि हर एक पेज पर, इवेंट पेज पर अलग और ओड पेज पर हम अलग अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फुटर का भी प्रयोग करना हो तो आप इसी तरह फुटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारा फुटर है जैसा भी देना हो, जैसे इवेंट पेज पर इवेंट फुटर देना हो या ओड पेज पर ओड देना हो, तो हम इस तरह अपना इवेंट और ओड का प्रयोग कर सकते हैं। या तो फर्स्ट पेज पर अलग देना हो और सेकंड और थर्ड बाकी जितने पेजेस होते हैं उस पर अलग देना हो, तो इसी तरह हम फुटर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट आता है पेज नंबर। अब पेज नंबर में क्या होता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेजेस होते हैं उस पर नंबरिंग देना हो तो आप पेज नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप पेज नंबर पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो जैसे टॉप ऑफ पेज है, बटन पेज है, फिर पेज मार्जिन है, फिर करंट पोजिशन है, तो जिसमें से आपको जो भी स्टाइलिश इसमें से चाहिए वो आप यहाँ से लेकर दे सकते हैं। जैसे अगर टॉप पेज चाहिए तो आप टॉप पेज दे सकते हैं, तो जैसा भी चाहिए यहाँ पर हम पेज नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमको जो हमारा हीडर है उसी में पेज नंबर देना हो तो हम कैसे देंगे, यानी जो हमने हीडर यहाँ पर दिया है, क्रिएट किया है, और इसी में हमको क्या करना है कि पेज नंबर देना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हीडर जो हमारा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जाना है हमारा पेज नंबर पर, यानी जो हमारा पेज नंबर ऑप्शन है इस पर जाना, और यहाँ से जो भी पेज नंबर जैसा भी देना हो, यानी जो हमारा उसमें इंसर्ट ऑप्शन में मिल रहा था पेज नंबर, वही हमारा डिजाइन में मिल जाएगा पेज नंबर। तो यहाँ से जैसा भी आपको देना हो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं कोई भी एक पेज नंबर, तो फर्स्ट वाला हम दे देते हैं, और फर्स्ट में जाएंगे तो इसमें हमारे बहुत तरह से स्टाइलिश दिए हैं, तो जो भी देना हो, जैसे मिडिल में देना हो तो मिडिल, अगर लेफ्ट में देना हो तो लेफ्ट, राइट देना हो तो राइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ से मिडिल में दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो पेज होगा, जितने भी पेजेस होंगे वो हमारा क्या होगा, इसी तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यानी फर्स्ट पेज पर हमारा वन और सेकंड पेज पर कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, तो वहां से ओड और इवन जो ऑप्शन था उसको चेक किया था, इसलिए वो हमारा क्या है कि शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, सभी को अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे हर एक पेज पर क्या होगा, नंबरिंग क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं।